मंगलूपुर नाम का एक शहर था। वहाँ नए नए स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनने की वजह से मंगलूपुर में लोगों का आना जाना लगा रहता था। शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में तीन जिगरी दोस्त कॉलेज जाकर खूब मस्ती करते और कॉलेज की जिंदगी जीते। तीनों दोस्त पढ़ाई के साथ साथ खूब एडवेंचर्स करते। कोई किसी से कभी शर्त लगा देता तो कोई किसी को कभी चैलेंज दे देता। तीनों एक दूसरे से बड़े ही खुराफाती शर्त लगाते थे। कॉलेज में मानो पढ़ाई ना करके ये वहाँ शर्तें लगाने जाते थे। कितने दिन हो गए यार, हमने कोई कारनामा नहीं किया। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे प्यासे को पानी की जरूरत है वैसे। क्या वही कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, बड़ा बोरिंग सा समय जा रहा है। तीनों बातें करते हुए कॉलेज के गार्डन की तरफ चले जाते हैं। मोहन सही कह रहा है, सब रुका रुका सा लग रहा है। छोटे छोटे कारनामे करके हम यही कॉलेज में रह जाएंगे। हमें नाम कमाना होगा, कुछ बड़ा करना होगा। अरे इतना बड़ा कारनामा भी नहीं करना जिससे हमारे माँ बाप का नाम ही डूब जाए। कॉलेज और घर की मस्ती पर ही हम ठीक हैं। हमें ज्यादा नहीं उछलना चाहिए। गर्मी ज्यादा होने की वजह से मोहन ने सबसे बोला, मैं तुमसे एक शर्त लगाता, ऐसी शर्त जो तुम कभी पूरी नहीं कर पाओगे। ऐसा क्या है भला जो मैं और समीर ना कर पाए? हमें कम मत समझो तुम। अगर हम चाहें तो चांद को दिन में उगा सकते हैं और सूरज को रात में। बस यही है, यही शर्त। चैलेंज है, तुमको करके दिखाओ। पूरे साल का होमवर्क तुम दोनों का मैं करूंगा। अरे अमन ने उत्साह में उतना बोल दिया मोहन भाई, सच्ची में थोड़ी ना दिन में चांद आ सकता है। घर जाकर अमन सोचने लगा, समीर का बच्चा अपने आप को समझता क्या है? दिन में चांद नहीं आ सकता क्या? मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं दिन में चांद ला कर रहूंगा। अमन सोच ही रहा था कि अमन के दादाजी अमन के पास आ जाते हैं। क्या बात है अमन बेटे, आज शांत शांत नजर आ रहे हो। दादाजी, क्या आप मुझे ऐसी कोई जगह बता सकते हैं जहाँ जाकर मैं इच्छा मांगू और वो पूरी हो जाए? बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं। हमारे शहर से कुछ दूर ही एक इच्छाधारी मंदिर है। मैंने सुना है जो सच्चे दिल से वहाँ जाकर प्रार्थना करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सच्ची दादाजी? अमन ने दादाजी की बात सुनकर सुबह उस इच्छाधारी मंदिर में जा पहुंचा। वहां वो अपने दोस्त समीर के साथ गया था। समीर और अमन ने वहां जाकर प्रार्थना की, हे भगवान, हमारी एक मनोकामना पूरी हो जाए। और मेरी भी भगवान, मेरी बस एक छोटी सी ख्वाहिश है, मैं 12th के बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाऊं। यहाँ हम शर्त की प्रार्थना करने आए ना कि बोर्ड्स की। दोनों की प्रार्थना सुनकर मंदिर से आवाज आई, बोलो बालक, क्या इच्छा है? हे प्रभु, हम चाहते हैं कि दिन में चांद निकले। अच्छा, दिन में अगर तुम्हें चांद चाहिए तो रात को हम ट्यूबलाइट जलाएंगे। प्रभु, आजकल गर्मी की वजह से लोग दिन में बेहाल हो गए हैं, हम उन्हें आराम देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ दिन तक लोगों को धूप और रोशनी से राहत मिल जाए ताकि वो चिंता से मुक्त हो जाएं। हम बस इतना चाहते हैं कि सूरज कुछ समय पश्चिम की तरफ चला जाए और चांद हमारे साथ रह जाए। इसके लिए तुम्हें स्वयं चंद्रदेव से बात करनी होगी। ये सब देखकर चांद प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, जितना मेरा रहना जरूरी है उतना ही सूरज दादा का भी रहना जरूरी है। सूरज दादा के ना रहने पर लोगों को बहुत तकलीफ होगी, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा कार्य कब करना है। लेकिन हमारी इच्छा यही है, हमने ये सुना है कि इस इच्छाधारी मंदिर से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया है, हमारी मनोकामनाएं पूरी कर दीजिए ना। ठीक है बालक, जैसा तुम कहो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। आज से कुछ दिनों तक मैं पूरब यानी कि तुम्हारे शहर के तरफ दिन में ही निकलूंगा और सूरज दादा पश्चिम की तरफ रात में निकलेंगे। चांद की बात जैसे ही खत्म होती है दिन में तुरंत अंधेरा हो जाता है।
जैसे ही भरी दोपहर में रात हो जाती है, वैसे ही लोग चिंता करने लगते हैं। वही मोहन समझ जाता है कि ये समीर और अमन का कारनामा है। ये जरूर उन दोनों पापियों का काम है। ओफो, अब मुझे साल भर तक उनका होमवर्क करके देना पड़ेगा। दिन में चांद निकलने की बात शहर में आग की तरह फैलती है। आधे लोग परेशान नजर आते हैं तो कुछ सोते हुए नजर आते हैं। उठिए जी, आपको काम पर नहीं जाना है क्या? घड़ी में सुबह के 11 बज रहे हैं। सुबह के 11 या रात के 11? क्योंकि मुझे तो अभी भी अंधेरा नजर आ रहा है। मेरा और मन है सोने का, मुझे सोने दो। सारे स्कूल्स की छुट्टी हो गई। फैक्ट्री से सारे मजदूर अपने अपने घर जाने लगे और जो मजदूर रात को काम करते थे वो अपने काम के लिए भागकर जाने लगे। क्यों बच्चों, मजा है ना? कुछ दिनों तक सबको आराम। मैं तो मान गया मन भाई तुम्हें, इससे बड़ा कारनामा ना कोई कर पाया है और ना किसी ने किया है। मोहन तैयार हो जाना हमारे होमवर्क करने के लिए, तुम शर्त आ चुके हो। शर्त तो तब मुमकिन है ना जब हम कॉलेज जाएंगे। यहाँ तो स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टी हो गई है, लोग घरों में आराम करके थक गए हैं। 4 दिन बीत गए, लोगों ने रोशनी नहीं देखी, लोगों ने सूरज नहीं देखा, उनके घरों का राशन खत्म होने लगा। सब परेशान होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, मेरे पति घर पर बस आराम कर रहे हैं, बच्चे खेल कूद में बिजी हैं, खाने को घर में एक दाना नहीं है। हे भगवान, सूर्य देव को बुला लीजिए। उस रात अमन के दादाजी की तबीयत खराब हो जाती है। अमन के माता पिता और अमन के दोस्त दादाजी को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा, सब कहाँ चले गए? लगता है दूसरी तरफ है। रुको, मैं उन्हें ढूंढ के आता हूँ। आजा मोहन। मोहन और समीर ने पूरा हॉस्पिटल छान मारा लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया। पूरा हॉस्पिटल हमने देख लिया लेकिन हमें कोई नजर नहीं आया। कुछ देर बाद उन्हें एक आदमी नजर आता है जो कि उस हॉस्पिटल का कंपाउंडर रहता है। ए, वो देखो, एक कंपाउंडर नजर आ रहा है। हाँ, मैं उससे जाकर पूछता हूँ। भाई, यहाँ कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? सब कहाँ चले गए हैं? मेरे दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, इन्हें डॉक्टर की जरूरत है, कुछ कहिए। डॉक्टर की जरूरत है? यहाँ कोई नहीं है, इन्हें पश्चिम के अस्पताल में जाकर दाखिल करा दीजिए। वहाँ सूरज अभी भी उगा हुआ है, रात होने की वजह से लोग बाग अपने अपने घरों में आराम कर रहे हैं। मैं तो अपने कुछ जरूरी कागजात लेने यहाँ पर आया था, इन्हें जल्दी से वहाँ ले जाओ। कंपाउंडर की बात सुनकर अमन और उसके दोस्त समझ जाते हैं कि उनसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। लगता है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी इस शर्त को लगाकर। हमें इस चीज को तुरंत ठीक करना होगा। क्यों ना हम फिर से उस इच्छाधारी मंदिर में जाकर इस चीज का समाधान करें, हमारी बात जरूर मानी जाएगी। अमन अपने दादाजी और दोस्तों को लेकर तुरंत इच्छाधारी मंदिर जा पहुँचता है और वहाँ जाकर सच्चे दिल से प्रार्थना करता है। हे भगवान, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हम दोस्तों को माफ कर दो, ऐसी गलती हम फिर से नहीं दोहराएंगे। उनकी प्रार्थना सुनकर मंदिर से एक आवाज आती है। बताओ बालकों, तुम्हें क्या चाहिए? सारे अपनी अपनी बात उन्हें बताते हैं। इसके लिए तुम्हें स्वयं चंद्रदेव को मनाना होगा। उसी वक्त वहाँ पर चंद्रदेव प्रकट होते हैं। बताओ बच्चों, क्या बात है? बच्चे अपनी सारी समस्या उन्हें बताते हैं और कहते हैं, चांद जी, मैं वादा करता हूँ, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा, हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से लोगों को बहुत कष्ट हुआ है। हाँ, हम दोबारा ऐसी शरारत फिर से नहीं करेंगे, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। मैं तुम्हारी बात तब मानूंगा जब तुम सब अच्छे से मन लगा कर पढ़ाई करोगे और कभी कोई ऐसे कारनामे नहीं करोगे। हम ऐसे कभी नहीं करेंगे, हमें कृपया माफ कर दीजिए। चंद्रदेव उन्हें माफ कर देते हैं और तुरंत ही सूर्य देव निकल जाते हैं। उसके बाद अमन ने अपने दादाजी का इलाज हॉस्पिटल में करवाया
और तीनों ने दोबारा कोई शर्त न लगाने की कसम खाई। एक दिन की बात है, जब सूरज ढल रहा था और चांद उग रहा था, तो सूरज ने चांद से पूछा, अरे भाई एक बात बताओ, तुम जब भी आते हो तो कोई तुम्हें प्रणाम क्यों नहीं करता? ऐसा नहीं है भाई, हर कोई एक जैसा नहीं होता, कई लोग मुझे भी प्रणाम करते हैं। पर मैं तो जब भी उगता हूँ तो सारी दुनिया मुझे जल चढ़ाती है, पर तुम्हें तो कोई भी जल नहीं चढ़ाता। सूरज और चंद्रमा की ये बातें बेलापुर गांव के लोग सुन रहे थे। तभी एक आदमी ने कहा, हम तो सिर्फ सूरज को ही भगवान मानते हैं, चांद हमारे लिए भगवान नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें चांद को भी भगवान मानना चाहिए। सूरज भगवान तो हमें रोशनी देते हैं, धूप देते हैं, चांद हमें क्या देता है? हर किसी का अलग अलग काम है, चंद्रमा भी हमें रात को रोशनी देता है। अरे पर उस रोशनी का हम क्या करेंगे, रात को तो हम सोए रहते हैं, हमें रात को रोशनी की जरूरत नहीं है। पर चांद का होना भी जरूरी है। हमें चांद की जरूरत नहीं है, अगर चांद नहीं भी होगा तो हमारी जिंदगी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसका होना और ना होना एक ही बराबर है। इस आदमी और औरत की बात चांद और सूरज दोनों सुन रहे थे। ये बातें सुनकर सूरज खुश हो गया और चंद्रमा थोड़ा उदास हो गया। सूरज ने चांद से कहा, देखा, बेलापुर के लोग भी मुझे भगवान मानते हैं और तुम्हें कुछ भी नहीं, ये लोग मेरी पूजा करते हैं। पर मैं भी तो इन्हें रोशनी देता हूँ, अगर मैं ना रहूं तो इन लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी। कोई बात नहीं, वैसे भी इन लोगों को तुम्हारी जरूरत नहीं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अब से आऊंगा ही नहीं। चंद्रमा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। चंद्रमा के जाने के बाद बेलापुर में रात को अंधेरा छा जाता है। वैसे तो आसमान में कुछ तारे हैं, पर इनकी रोशनी बहुत कम है। अंधेरा इतना गहरा है कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब खेतों में बुआई का वक्त आ चुका था, इसलिए किसानों को सुबह जल्दी उठकर बुआई के लिए जाना था, पर चांद के न होने से गहरा अंधेरा था। अरे उठ जाओ, आज खेत की बुआई करनी है ना, जल्दी चलो, नहीं तो बाद में तेज धूप हो जाएगी और फिर गर्मी में काम नहीं हो पाएगा। हाँ, खेत की बुआई तो करनी है, पर अभी रात है, बाहर बहुत घना अंधेरा है। मुझे तो लगता है सुबह होने वाली है, हमें चलना चाहिए। वो सब तो ठीक है, पर बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा, जाएंगे कैसे? ठीक है, सुबह होने पर ही जाते हैं। ये दोनों सुबह होने का इंतजार करने लगे। जब सुबह हुई तो ये दोनों खेत के लिए निकल पड़े, लेकिन कुछ ही देर में तेज धूप आ गई और गर्मी के कारण खेत में काम करना मुश्किल हो रहा था। बहुत गर्मी हो रही है, चलो घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी आ जाएंगे। हाँ सही कह रही हूँ, इस भयानक गर्मी में तो मुझसे भी काम नहीं होता, कल आते हैं। वो आदमी और औरत दोनों घर चले गए। अगले दिन भी जब वो उठे तो रात को चंद्रमा के न होने की वजह से बहुत घना अंधेरा था, और आज भी वो दोनों जब उठे तो सूरज निकल चुका था। सूरज की गर्मी के कारण खेत में काम करना मुश्किल हो रहा था। इस समस्या से परेशान होकर आदमी ने सूरज से कहा, हे सूर्यदेव, हमें चांद की जरूरत नहीं है, अगर आप रात को भी रहे तो हमें कभी भी चांद की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम केवल आप ही की पूजा करेंगे। ठीक है, अब से मैं रात को भी रहूंगा। अब दिन खत्म होने के बाद सूरज रात को भी बेलापुर में ही रहने लगा, जिससे दिन ढल ही नहीं रहा था और रात हो ही नहीं रही थी। अरे जल्दी से खाना बनाओ, नींद आ रही है, सोना भी है। अभी तो दोपहर का वक्त है, क्या अभी से खाना बनाना शुरू कर दूं? अच्छा ठीक है, बाद में बनाना। वो आदमी और औरत बहुत देर तक रुकते हैं,
पर शाम नहीं होती, क्योंकि अब सूरज ढल ही नहीं रहा था। भूख से आदमी का बुरा हाल हो गया। अरे लगता है आज शाम नहीं होगी, तुम खाना बना दो। ठीक है बनाती हूँ। औरत ने खाना बनाया और दोनों ने खाना खा लिया। अच्छा सुनो मैं सोने जा रहा हूँ। अभी तो रात ही नहीं हुई। हाँ सूरज भी तेज चमक रहा है, पता नहीं रात कब होगी। मैं तब तक नहा लेता हूँ। वो आदमी नहाने चला गया। बाप रे आज तो बहुत गर्मी है, पता नहीं इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे। आदमी नहा कर लौट आया। अरे नहाने के बाद भी कितनी गर्मी लग रही है, अब सूरज नहीं ढलेगा इसलिए ये सब हो रहा है। ये सब सूरज की वजह से ही हो रहा है। कोई बात नहीं चलो सोते हैं। ये दोनों सोने के लिए चले जाते हैं, पर सूरज की गर्मी की वजह से दोनों परेशान हो जाते हैं। इन्हें बहुत पसीना आ रहा है। अरे पंखा तेज कर लो। औरत पंखे को तेज कर देती है, पर तेज हवा चलने के बाद भी इन्हें गर्मी से राहत नहीं मिलती। इतनी गर्मी में तो मर ही जाएंगे, काश सूरज ढल जाता तो गर्मी कम हो जाती और हम लोग चैन से सो पाते। अरे अब तो ये गर्मी बर्दाश्त के बाहर हो गई है, मुझे भी लगता है कि हमें चांद की जरूरत है। चलो जाकर सूर्य देव से बात करते हैं। हाँ ठीक है चलो। ये दोनों बाहर छत पर आते हैं। हे सूर्य देव, आपकी धूप को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्ही ने कहा मुझे रात को रुकने के लिए, इसलिए मैं रुका हूँ। हाँ हम ही ने कहा था, पर अब हमें चांद की भी जरूरत है क्योंकि हम इतनी धूप को नहीं सह पाएंगे। आज से आप सिर्फ दिन के समय ही रहिए, रात को चंद्रमा ही ठीक है। ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, अब से मैं रात को नहीं आऊंगा। अब औरत और आदमी चंद्रमा को पुकारने लगे। हे चंद्रदेव मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, हमें आपकी भी जरूरत है। हे चंद्रदेव आप वापस आ जाइए, जिस तरह दिन में सूरज की जरूरत है उसी तरह रात में चांद की भी जरूरत है। इन दोनों के बुलाने पर चंद्रमा वापस आ जाता है। चंद्रमा को देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। हे चंद्रदेव जिस तरह हम हमेशा सूरज को जल चढ़ाते हैं और उनका स्वागत करते हैं, उसी तरह आज से हम लोग आपका भी स्वागत करेंगे। ठीक है अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं तुम्हें रोशनी जरूर दूंगा। मुझे माफ कर दो भाई, मेरी तरह तुम भी इस दुनिया के लिए बहुत जरूरी हो। अगर मैं दिन में उगने वाला सूरज हूँ तो तुम रात में उगने वाले सूरज हो। सूरज ढल गया और अंधेरा होने लगा, तब चांद ने चारों तरफ अपनी खूबसूरत रोशनी बिखेर दी। आदमी और औरत दोनों ने चांद को प्रणाम किया और उनका स्वागत किया और दोनों चैन की नींद सो गए। सीख: इस दुनिया में हर चीज का अपना महत्व है, हमें किसी भी चीज के महत्व को कम नहीं समझना चाहिए।